संजय लीला भंसाली की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। करनी सेना के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अन्य संगठन भी इसमें शामिल हैं। तो किस तरह से करनी सेना के लोग हंगामा कर रहे हैं और क्या कुछ इनका कहना है वो सुनिए। राजपूत करनी सेना की तरफ से आज हमने राजस्थान के जो हेड हैं आईनोक्स के, उनको हमें लिखित में लेटर दिया है कि हमें इस लेटर में यही लिखा है कि आप 25 तारीख को इस फिल्म को नहीं लगाओगे जितने भी आपके राजस्थान में आईनोक्स हैं, और ये आप फिर भी इस फिल्म को लगाते हो, कोई भी पोस्ट या स्टिकर आप पूरे राजस्थान में कहीं भी लगाते हो तो ये उग्र आंदोलन होगा जिसमें आपके सेना में जो भी तोड़फोड़ होगी इसकी जिम्मेदारी आपकी है, किसी दूसरे की नहीं रहेगी। यह पुलिस प्रशासन के सामने हमने लिखित में दिया है, मैं गवर्नमेंट और पुलिस प्रशासन सुरक्षा देगा तो हम फिल्म लगाएंगे, तो हम उनको भी लिखित में दे के देना चाहते हैं और धमका के भी आएंगे कि आपने फिल्म लगाने की कोशिश की तो सुरक्षा दे, दो दिन रहेगी, तीन दिन रहेगी, आपका जो स्टाफ है या आपको, आपको हम नहीं बख्शेंगे। लेकिन हमें पता है कि ये फिल्म जो मालिक है ये हमारे भाई है, हमारे प्रदेश के लोग हैं, ये हमारा साथ व सहयोग देंगे और पूरे राजस्थान में किसी भी हॉल में पद्मावती नहीं लगेगी, ये हमें पूरा आश्वस्त है हम हमारे इन भाइयों की तरफ से। और फिर भी अगर कोई इस प्रदेश की मान मर्यादा खत्म करने के लिए, दो पैसा कमाने के लिए फिल्म लगाता है तो उसके लिए वह खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हम लड़ाई दंगे वो हम करना नहीं चाहते, लेकिन अगर हमारी संयम की परीक्षा ली गई तो राजपूत अब के बाद संयम की परीक्षा में फेल हो गया तो ये इस प्रदेश के लिए और इस देश के लिए बहुत बुरा होगा। आज सुना है मैंने 6-7 राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट के पास जा रही है, करनी सेना क्यों नहीं जा रही है? इतनी बड़ी संवैधानिक सत्ता को चुनौती देने लायक बहुत छोटा मान रहा हूं मुझे, इसलिए नहीं जा रही, क्योंकि जो रिजल्ट आया 6 एप्लीकेशनों का, मेरे सीने में भी एक छोटा सा दिल रहता है, बड़ों की हरकत देखकर बड़ा होने से डरता है, इसलिए नहीं जा पा रहा। इतने बड़े लोगों के सामने क्या उनको चैलेंज करो कि मालिक ये फैसला कैसे आ गया? आ गया जो आ गया, हम जनता की अदालत में हैं, इस डेमोक्रेटिक सेटअप में, इस प्रजातंत्र में अगर सबसे बड़ी कोई अदालत है वो जनता की अदालत है। फिर सारे सामाजिक संगठनों से अपील करूंगा, तैयारी कीजिए, कोई फिल्म हॉल वाला, कोई भी जनता जनार्दन में से हाथ जोड़िए, उनको फूल दीजिए और यह व्यवस्था कर लीजिए कि न मैं फिल्म दिखाऊंगा, न मैं फिल्म देखूंगा, न मैं फिल्म लगाऊंगा। इसी के साथ बीजेपी नेता सूरजपाल अम्मू फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। जी धन्यवाद। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ओर से पद्मावत को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, इसके बावजूद भी लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, करनी सेना की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, अन्य संगठन भी इसमें शामिल हैं, पूरे तरीके से फिल्म का बहिष्कार कर दिया गया है, पहला कमेंट आपका क्या है? निश्चित तौर पे मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो इस फिल्म का बहिष्कार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है हरियाणा सरकार स्वयं, जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आकर पुनर्याचिका दायर की है जी, हरियाणा सरकार भी इस पर ध्यान देगी और मांग करेगी पुनर्याचिका करके, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है जी, मैं चिंतित हूँ इस बात को लेकर। मैं अपने नौजवानों को खासतौर पर खबरें अभी तक के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि तोड़फोड़ या किसी प्रकार की भी ऐसा करना गलत होगा जी। हम हिंसा वाला कार्य कोई भी ना करें, अहिंसक रूप से अपना प्रदर्शन करें, विरोध करें, वो बनता है। लेकिन सूरजपाल जी, हरी झंडी जो है मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, लेकिन करनी सेना के लोगों का कहना है कि अगर फिल्म रिलीज होती है, पोस्टर लगाए जाते हैं, तो उनकी ओर से तोड़फोड़ की जाएगी, हंगामा किया जाएगा, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और इसके जिम्मेदार खुद प्रशासन होगा, खुद सरकार होगी या फिर जो लोग इसे फिल्म को रिलीज करेंगे वो होंगे, तो आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, कहां तक जायज है? ऐसा है ना, तो सरकार जिम्मेवार होगी ना प्रशासन जिम्मेवार होगा, जिम्मेवार होगा वो जिसने फिल्म बनाई है, जिम्मेवार होगा वो जो इस फिल्म की अनुमति दे रहे हैं सेंसर बोर्ड, क्योंकि जब सेंसर बोर्ड के आगे हम लोगों ने कहा था कि इस फिल्म को सेंसर बोर्ड हरी झंडी ही ना दे, सेंसर बोर्ड इसको रिलीज ही ना करे, तो फिर क्यों? लेकिन सूरजपाल जी, देश की सबसे बड़ी अदालत की ओर से अनुमति मिल गई है, सहमति है उनकी, उनकी ओर से कहा गया है कि फिल्म रिलीज हो जाए, तो अब देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा जी, अगर किसी की जिस फिल्म से जिस किसी की भावना को, जिस समाज के, जिस हिंदू समाज की भावना को ठेस पहुंचे, वो फिल्म क्यों चले और उसे क्यों दिखाया जाए?
हम तो सलीमा हॉल वालिकों से अनुरोध कर रहे हैं, बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि फिल्म को ना चलाए। तो सूरज पाल जी, ये तो एक तरीके से क्या चैलेंज है कोर्ट के लिए, क्योंकि कोर्ट की ओर से अनुमति मिली है। अनुरोध करने को भी अगर आप चैलेंज मानते हैं तो मैं आपका क्या कर सकता हूं? लेकिन लगातार आप भी देख रहे हैं कि लोगों की ओर से विरोध किया जा रहा है। आप अनुरोध नहीं, ये विरोध है। किस तरीके से लोग सड़कों पर आ गए हैं, तोड़फोड़ की जा रही है, फायरिंग की जा रही है, लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता है। मीडिया के लोगों को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, आपके चैनल को भी जनता देखती है और जनता ही इस फिल्म का विरोध कर रही है। तो अगर जनता इस फिल्म का विरोध कर रही है तो फिल्म बनाने वाले को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी की मर्जी की भी माँ बहन को नचाना नचा कर दिखाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज पाल जी खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो करनी सेना की ओर से भी किया जा रहा है, अन्य संगठनों की ओर से भी किया जा रहा है। पूर्ण रूप से बहिष्कार फिल्म का कर दिया गया है। और अभी आपने सुना कि करनी सेना के लोगों का ये कहना है कि फिल्म को रिलीज ना होने दिया जाए, अगर फिल्म रिलीज होती है तो उनकी ओर से तोड़फोड़ भी की जाएगी, प्रदर्शन भी लगातार किया जाएगा और जो उनका प्रदर्शन है वो और उग्र हो जाएगा। तो देखने वाली बात है कि 25 तारीख को फिल्म रिलीज होने वाली है, कानून व्यवस्था किस तरीके की रहती है और क्या कुछ इंतजाम कानून की ओर से किए जाएंगे, प्रशासन की ओर से किए जाएंगे। फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।